मैं जिंदगी को अपना मैदान और मुसीबतों को अपना कोच रखता हूँ। मैं जिंदगी को अपना मैदान और मुसीबतों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, क्या आप भी इस तरह का जो है वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं गाइज, तो अपने आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस तरह का जो है वीडियो एडिटिंग करने के लिए गाइज हमें जो है एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है काइन मास्टर। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जो है वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज, डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी अपना काइन मास्टर ओपन कर रखा, और ओपन करने के बाद यहाँ पे गाइज करना क्या है, यहाँ पे जो प्लस का आइकन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और सिंपली से क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको 3 प्रोजेक्ट मिलेगा। तो यहाँ से हमें थर्ड वाला प्रोजेक्ट जो दिख रहा है 1.1, इस पर क्लिक करके इसे यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से मैंने इस पर क्लिक कर लिया और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर जो मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और सिंपली से क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से करना कुछ नहीं, यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ से बहुत से बैकग्राउंड मिलेगा, तो यहाँ से हमें सिर्फ ब्लैक स्क्रीन बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। अब इस ब्लैक स्क्रीन बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, इसके साइज़ को ऐसे बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने को देने यहाँ पर फर्स्ट में आएंगे, फर्स्ट में आने के बाद करना क्या है गाइज, यहाँ से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और मीडिया पे क्लिक कर लेने के बाद जो है यहाँ से हमें एक टम्पलेट वीडियो जो है ऐड करनी है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से इसे भी टम्पलेट वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली से मैं इस टम्पलेट वीडियो पे क्लिक करके इसे सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसके साइज़ को ऐसे बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे बड़ा करेंगे यहाँ पर ऐसे, और बड़ा करने के बाद देन यहाँ से करना क्या है, हल्का सा और इसे बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पे इसे एडजस्ट करना होगा, यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करेंगे, हल्का सा नीचे लेंगे इसे ऐसे, उसके बाद यहाँ से ऐसे यस कर देंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आएंगे नीचे, यहाँ से ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, तो इस ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और सिंपली से क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से स्क्रीन का ऑप्शन की इनेबल करेंगे, देन उसके बाद यहाँ से यस करेंगे, और यहाँ तो खो जाने के बाद सिंपली से फिर इस पर क्लिक करेंगे और आएंगे यहाँ से नीचे जो है एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पर, और इसका कलर जो है यहाँ से पूरा एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से करना है क्या, सिंपली से यस करना है। यहाँ तक तो हो गया, अब यहाँ तक तो हो जाने के बाद फिर करना क्या है, इसमें जो मतलब वीडियो बनाना, जिस फोटो पे मतलब वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को सेलेक्ट करेंगे। तो फोटो सेलेक्ट करने के लिए करेंगे लेयर पे क्लिक, फिर मीडिया पे क्लिक, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जिस फोटो पे वीडियो बनाना चाहते हैं उस फोटो को जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से चलिए मैं एक जो है फोटो सेलेक्ट करके बस आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से अपना फोटो सेलेक्ट कीजिएगा, चाहे आप जिस फोटो पर बनाइएगा वीडियो उसी फोटो को सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, चलिए एक ये वाला ही फ़ोटो समझ लीजिए, ये वाला है ना। अब इस फोटो पे क्लिक करेंगे और सिंपली से इसके साइज़ को ऐसे बड़ा कर लेंगे, देन ऐसे है ना, ऐसे बड़ा करेंगे और यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। फिर एडजस्ट हो जाने के बाद करना क्या है, सिंपली से इस फोटो पे क्लिक करेंगे, इस इसे पूरे वीडियो के एंड तक कर लेंगे। एंड तक हो जाने के बाद करना क्या है, सिंपली से इस टम्पलेट वीडियो पर क्लिक करेंगे, सॉरी टम्पलेट वीडियो पर नहीं, इसी फोटो पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट होने के बाद सेकंड पिक्चर पर आएंगे, और आने के बाद फिर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। ब्रिंग टू फ्रंट होने के बाद इधर आएंगे ओवर एनिमेशन पे, और यहाँ से आपको ब्लिंक शो वाला एनिमेशन सेलेक्ट करना है। फिर ब्लिंक शो वाला एनिमेशन सेलेक्ट करने के बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद आ जाएंगे आपको यहाँ से कलर फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो इस कलर फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आएंगे बेसिक पे। बेसिक पे आने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ से B35 वाला कलर इफेक्ट, ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये B34 वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको जो अच्छा लगे। तो यहाँ से मैं ये 35 ही रहने देता हूँ। उसके बाद दिन यहाँ से यस करेंगे, यहाँ तक तो सिंपली से हो गया। उसके बाद दिन यहाँ से करेंगे गाइज, इस फोटो को थोड़ा इधर घींच लेंगे, दोनों फोटो को इधर, और फिर टम्पलेट वीडियो पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन ब्रिंग टू फ्रंट। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ तक तो हो जाने के बाद करना है कि सिंपली से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट वीडियो को जो है स्मोक टाइप के ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट वीडियो इसे ऐड करेंगे। तो इसे यहाँ से चले मैं इसे ऐड कर ले रहा हूँ, ये रहा। अब इस पर क्लिक करेंगे, इसके साइज को यहाँ से ऐसे बड़ा करेंगे, और बड़ा करने के बाद देन यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, फिर आएंगे नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से ये स्क्रीन कर लेना है ना, स्क्रीन हो गया। अब इसे इसके परसेंटेज को यहाँ से हमें अल्फा पे आएंगे और हल्का माइनस कर लेंगे ऐसे, यहाँ से चलिए 91 ही रहने देंगे। अब इसे हमें थोड़ा इधर खींच लेना है ऐसे यहाँ पे, है ना, हल्का सा इसके साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है,
तो ऐसे छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे देख लीजिए यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक तो हो गया, अब यहाँ तक हो जाने के बाद करना क्या है, इसमें एक जो है कलरफुल वीडियो ऐड करनी है। तो लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से उस कलरफुल वीडियो को जो है ऐड कर लेंगे। ये रहा गया कुछ इस तरह के, ये कलरफुल वीडियो है, इसे ऐड करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे। इसके साइज़ को यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेंगे, उसके बाद दिन यहाँ से करेंगे, फिर इस पर क्लिक और आएंगे नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे, और आने के बाद ये स्क्रीन कर लेंगे। स्क्रीन हो गया, फिर दिन यहाँ से यस करेंगे, और यहाँ से एक शायरी का जो है PNG पिक्चर लेंगे, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं। तो लेयर पर क्लिक करके इस PNG पिक्चर को यहाँ से, जो कि मैंने पिक्सल ऐप से क्रिएट किया है, इसे भी आप बना सकते हैं ऐसे। हम वो हैं जो तुम कभी नहीं बन सकते, ऐसे इसे जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम वो है जो तुम कभी बन नहीं सकते, आप टाइप भी कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे ऐसे ही रहने दे रहा हूँ ऐसे। अब यहाँ अब इसे भी पूरे वीडियो के एंड तक कर लेंगे, एंड तक हो गया। अब इसमें बाकी रहे कि सॉन्ग ऐड करना, तो इस टेम्पलेट के सॉन्ग के यहाँ से म्यूट कर देंगे, और यहाँ से आप जो सॉन्ग इसमें ऐड करना चाहते हैं वो सॉन्ग आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से एक मैं वीडियो का जो है सॉन्ग यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, चलिए ये वाला वीडियो का सॉन्ग सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आएंगे नीचे एक्सट्रैक्ट ऑडियो क्लिक करेंगे, और इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट हो गया। अब चलिए मैं आपको इसे एक बार प्ले करके गाइस दिखा दे रहा हूँ। वक्त लगेगा लेकिन हर चीज खरीद लूंगा, और जो मोहब्बत के सौदागर ये कहते हैं कि मोहब्बत को कोई नहीं खरीद। अब इसे यहाँ पे सेव करने के लिए सिंपली से करना क्या, शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, और क्लिक कर लेने के बाद वीडियो क्वालिटी यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी और ये 30 रहने देंगे। उसके बाद नीचे क्लिक करके एक्सपोर्ट पे वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं वीडियो जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।